अभी आप सब जाइए, मैं इस मैटर से जुड़े ऑफिसर से बात करके उसका हल जल्द से जल्द निकालते हैं। लेकिन साहब, हम लोग सड़क पे कब तक रहेंगे? मेरी बीवी मां बनने वाली है और हमारे साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब नाइट टाइम में ऐसे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, मुझे हजारों काम करने होते हैं। आपके घर के बाहर जो सुरक्षा देते हैं, उन्होंने हमें मारा और ये कह रहे थे कि अगर हम आपके घर से दूर नहीं जाएंगे तो ये हमें अधमरा करके फेंक देंगे। पता नहीं साहब, दोबारा आप तक पहुंच पाऊंगी हमें। सर, कानून को दिन रात, इस वक्त उस वक्त से क्या मतलब है? जितना कहना सुनना था सुना दिया, जितनी मेरी बुराई करनी थी कर ली। सर भी सुन चुके हैं, अब तुम सब जाओ यहां से। तुम हिंदुस्तानी, वैसे तो देवी देवताओं का खूब पूजा करते हो, यहां तक पशु पक्षी फिर पानी की भी पूजा करते हो, लेकिन इंसान की कोई कदर नहीं है। कैसे विचित्र हिंदुस्तानी है तुम। एनीवेज, लेडीज प्लीज कम एंड हैव अ सीट। आप लोग आइए और इधर बैठिए। रंजन, आज इन सब के लिए चाय लाइए। जी सर। मेरा लेटर हेड लेकर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, जब तक मैं इनके पक्ष में इनका ऑर्डर लिख रहा हूँ, तुम देखो इनको, और जैसे ही मेरा लिखना ख़त्म होएगा और तुम मुझे बताना कि इनके बैठने से मेरी कुर्सियाँ कैसे अशुद्ध हो गई है। कल इनको पुराने वाले घर पे शिफ्ट करा जाए। और अगर किसी ने भी कुछ करा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा और उनको कहा जाए अगर वो रेंडेवे है, इनके जात और धर्म के नाम से उनको नहीं निकाला जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल ऑर्डर। चाय पीजिए।
अब तुम बताओ इनके बैठने से मेरी कुर्सियां कैसे अशुद्ध हो गई है? सर, हमारे धर्म के मान्यताओं अनुसार इन लोगों के अंदर जाने से जब मंदिर अपवित्र हो सकता है तो ये घर, ये कुर्सियां भी अपवित्र हो सकती है। ठीक है, तुम्हारी मान्यता जो भी कहती है, पर इस ऑर्डर पे अमल हो। आज हम सब ने गवर्नर के घर पे उनके साथ बैठकर चाय पी। ये सब हमारे भीम की वजह से हुआ है ना भैया? हाँ मीरा, ये तो है, भीम की तरकीब काम आ गई। नहीं तो क्या पता कब हमें गवर्नर मिलते और कब हमारा काम होता। जीजा भाई, अब भीम को ताना मारना बंद कर देना कि वो घर के लिए कुछ काम नहीं करता है। हम जहाँ पर भी उलझते हैं ना, भीमी हमें वहां से सुलझाता है। हाँ आई, आप भीम को ताना मत मारा करो, किसी को पसंद नहीं आता। बुआ रुकिए ना। क्या हुआ रामा? आप सब चबूतरे पर जाइए, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है, जाओ। चल आजा बेटा। क्या है? आपके विज्ञान की पढ़ाई एकदम बेकार है। अब विज्ञान कहाँ से बीच में आ गया? वैसे तो आप कभी मुझे घूमने ले जाते नहीं हैं। शादी को 3 साल हो गए, 30 बार कह चुकी हूँ कि मुझे समुंदर किनारे ले चले, लेकिन आप हर बार कोई ना कोई तो बहाना बना देते हैं। तो सोचा आज दवाई के नाम पर ही समुंदर ना से सड़क किनारे ही घूम लेते हैं, लेकिन आप थक गए होंगे तो रहने दीजिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें घूमना पसंद है ना? पति के साथ घूमना बहुत पसंद है। परिवार वाले लौट के चाल में आ रहे हैं, अब वो यहीं रहेंगे। चलो देखते। भीमराव, इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने सामान लेकर आ गए। क्या ये सब? मालूम है ना ये घर हमारा है, हमने निकाला है इन्हें यहां से। कैसे वापस आ गए ये सब? देखिए, गवर्नर साहब के आदेशानुसार ये जिस घर में रह रहे थे
वहीं रहेंगे और जो भी कोई इन्हें निकालने की कोशिश करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक आप इनसे किराया ले रहे हैं, आगे भी लेते रहिएगा, लेकिन इन्हें जात पात के नाम पर निकाल नहीं सकते। ऐसे कैसे बोल सकते हैं गवर्नर साहब? सिर्फ बोला नहीं है, लिख के आदेश दिया है उन्होंने। इसलिए आपका जो भी सामान है आप निकलवा लीजिए, हम इंतजार करेंगे। छोड़िए, मैं कहता हूं छोड़िए। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमें आपको थाने ले जाना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इनका गुस्सा जायज है, इनकी खीज भी जायज है, लेकिन देखिए इस दुश्मनी का आगे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ये किस्सा यही खत्म कर देते हैं। आप भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊंगा कि आपने डंडा उठाया था। किस्सा खत्म नहीं हुआ भीमराव, दुश्मनी तो अब शुरू हुई है। देखो आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। फिलहाल तो आप अपना सामान वहां से निकलवाइए। रुको, हम इस जगह के मालिक हैं, पर सामान कोई कैसे फेंक सकता है? कानूनी आदेश है, निकालना तो पड़ेगा ही। निकालो अपना सामान, अब मैं आपका सामान निकाल के फेंक दूं? अरे बुढ़िया, बहुत औकात बढ़ गई है ना, तुम सब भुगतोगी। अब से इस चौर में भीमराव जितने दिन रहेगा तुम सबकी सजा उतनी ही बड़ी होगी। वैसे तो हम आपके पक्षधर हैं, लेकिन गवर्नर साहब का आदेश है, इसे मानने में ही आपकी भलाई है। सामान निकालो सारा। रुकिए, आपसे एक बात कहनी है। तू भी बोल आज। जब से आप कहकर गए थे तब से सोचा, नतीजा ये निकला कि पत्नी की जात एक ही होती है, पत्नी, ना छोटी ना बड़ी। बहुत बोल रहे हो ना तुम लोग आजकल, तुम सबको मजा ना चखाया तो मेरा नाम नरोत्तम जोशी नहीं, भीम, गवर्नर साहब कैसे इंसान है और वो खुद तुम लोगों से मिले, बताना। हाँ माँ, वो खुद हमसे मिले। मुझे भी एक बार मिलवा देना, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे इंसान है। जिंदगी में पहली बार कोई बड़ा आदमी
हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है। वो इंसान नहीं, देवता है। नहीं अम्मा, उन्हें देवता मत बनाइए। अच्छे समाज के लिए देवताओं की नहीं, अच्छे इंसानों की जरूरत है। देखिए अब घर खाली हो गया है, आप अंदर जा सकते हैं। धन्यवाद साहब। बाबा तुम जितने छोटी जाति के लोग यहाँ रहते हो उन्हें सुबह तक ये चौल खाली करनी होगी। छुआछूत के आधार पर आप हमें यहाँ से क्यों निकालने आए? क्योंकि तुमने हमारी आंख में आंख डालकर हमसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत की। अगर तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो भीमराव और उसके परिवार को यहाँ से निकालो। और भाव देखा वो लोग अंदर जाते समय कैसे देख रहे थे? लग रहा था जैसे चिढ़ा रहे। इनका मन तो पहले से ही बहुत बड़ा हुआ था, अब तो ये और आइट आइट के बात करेंगे, देखना। अब तक कहो कि हम लोग को ना तनिको भाव नहीं देंगे। और ऊपर से जोशी जी नाराज भी के गए हैं, वो अलग परेशान करिए। काका नाराज होके भी क्या कर लेंगे वो लोग? नाराजगी अगर जायज ना हो तो वो बेकार की जिद बन जाती है। मैं जैसे पहले आपके लिए था आज भी वैसा ही हूं। पहले आप सब मेरा परिवार थे और आज भी है, और पहले मैं आप सब लोगों का भीम था और आज भी भीम ही हूं। हमें एक चीज पर ध्यान देना होगा, वो ये कि अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो कोई भी जोशी आकर हमें हमारे घर से निकाल देगा। गरीब और कमजोर लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी एकता, और ये बात आप सब लोग हमेशा ध्यान में रखना। और आज हमारे परिवार को जब आप सबकी मदद की जरूरत पड़ी तो आप सब अलग हो गए। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं, और बता भी इसलिए रहा हूं कि अगर कल कोई मुसीबत आए हम पर तो हम सब साथ रहें, तभी हम जोशी और उनके जैसे लोगों द्वारा पैदा की गई मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। हाँ, अब ये लोग गवर्नर साहब से मिलके आए तो इन्हें लगता है कि सबसे समझदार और होशियार यही लोग हैं। ये प्रवचन देते रहेंगे और हम सब सुन के मानते रहेंगे, जैसे हमारे पास अपनी कोई अकल है ही नहीं। हम सब तो भाई जिग्नेश भाव के साथ हैं। मैं भी। चलो जी, चलो चलो, चलो, चलो अपना काम करें। चलते। भाव, यहां आपकी बात कोई समझे ना समझे लेकिन मैं आपकी बात अच्छे से समझती हूँ। और मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ राम जी भाऊ, हम सब भी आपके साथ हैं। एक दिन सबका साथ होगा
बस थोड़ा वक्त और